साउथ इंडस्ट्री आज के टाइम पे आगे बढ़ रही है और लोगों को साउथ की फिल्मों का भी काफी इंतजार रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कौन से ऐसे साउथ के सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपना धर्म यानी रिलीजन चेंज कर लिया है। कोई हिंदू से मुस्लिम बना तो वहीं कोई हिंदू से मुस्लिम और क्रिश्चियन बना। क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो कर दे लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। नंबर वन पे बात करते हैं नगमा के बारे में। दोस्तों, नगमा एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है जिन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू सलमान खान के साथ फिल्म बागी से की और इसके बाद इन्होंने कई सारी लैंग्वेज की फिल्मों में काम किया। नगमा के पिता एक हिंदू थे तो वहीं इनकी माँ एक मुसलमान थी, बट 2008 में इन्होंने पब्लिकली आके बताया कि इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है। नंबर दो, AR रहमान। सुरों के बादशाह AR रहमान ने दुनिया भर में भारतीय संगीत को पहचान दी है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रहमान कभी हिंदू थे। उनका नाम AS दिलीप कुमार था, लेकिन 1989 में इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया, जिसके बाद इन्होंने अपना नाम अल्लाह रखा रहमान रख लिया, जिन्हें हम आज के टाइम पर AR रहमान नाम से जानते हैं। नंबर थ्री, नयनतारा। नयनतारा एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है जिन्होंने तेलुगु, तमिल और मलयालम के फिल्मों में काम किया है और नयनतारा एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन 2010 में इन्होंने प्रभु देवा से शादी करके हिंदू धर्म अपना लिया था, जिसके बाद ये दोनों काफ़ी चर्चे में आए और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट भी करा था इन दोनों के खिलाफ और कई सारी कंट्रोवर्सी भी हुई। बट 2012 में नयनतारा ने प्रभु देवा से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया, बट ये हिंदू में कन्वर्ट रही। नंबर फोर, युवन शंकर राजा। दोस्तों, युवन शंकर राजा म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और सॉन्ग राइटर है और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, इनकी मां के निधन के बाद इन्होंने 2014 में अपने ट्विटर अकाउंट से अनाउंस किया कि इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अपना नाम अब्दुल हलीक रखा, बट सब अभी भी इन्हें युवन शंकर राजा नाम से ही जानते हैं। नंबर फाइव, खुशबू। खुशबू एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन हैं। इन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और इनका असली नाम निखत खान है और ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं, बट 2000 में इन्होंने फिल्म डायरेक्टर और एक्टर सुंदर सिंह से शादी की, जिसके बाद खुशबू यानी निखत खान ने हिंदू धर्म अपना लिया। नंबर सिक्स, मोनिका। मोनिका एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस थी जिन्होंने मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया था और इनका असली नाम रेखा मरुथीराज था, बट 2014 में इन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया और हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया, जिसके बाद इन्होंने अपना नाम MG रहीमा रखा। तो दोस्तों, ये वो सेलिब्रिटी थे जिन्होंने अपना धर्म यानी रिलीजन चेंज किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।